तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स और डे की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे पर, ठीक है। और आज हम अपने नेक्स्ट डे के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। आप वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और इसके अलावा आप एक काम और क्या कर सकते हो, आप टोटल 10 क्वेश्चंस जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही करो, वीडियो पोस्ट करो, अपना आंसर खुद लगाओ और उसके बाद देखो कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। और जितने भी आपके मार्क्स 10 में से जितने अभी आपके आंसर्स करेक्ट हो, वो अपना स्कोर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो सारे बच्चे आज से काम करेंगे, जितने भी जुड़े हुए हैं, जितने भी 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, वो सारे क्या करेंगे, अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। ताकि आपको भी एक लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हो कि भाई हमें भी डेली क्वेश्चन 10 करने हैं, उसमें से हमारे कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। और जो गलत होंगे फिर आप टाइम लाइन से देख के आप वो क्वेश्चन फिर से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के हम अगले 10 क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग कैटेगरी ऑफ लैंड ड्यूरिंग चोला अंपायर। बोल रहे हैं कि किस किस टाइप की कैटेगरी की लैंड होती थी कहाँ पे, चोला अंपायर में, चोला अंपायर में किस टाइप की लैंड हुआ करती थी। सबसे पहले बोल रहे हैं वेलन वैगई, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने बता रखा है कि लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। देखो ब्राह्मण्स को जो लैंड दी जाती थी ना, उनको उस लैंड को बोला जाता था ब्रह्मा देया। उस लैंड को क्या बोला जाता था, ब्रह्मा देया, मतलब जो ब्राह्मण को लैंड दी जाती थी उसको ब्रह्मा देया बोला जाता था, उसको वेलन वैगई नहीं बोला जाता था। वेलन वैगई किस लैंड को बोला जाता था, जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट की जो लैंड होती थी उसको बोला जाता वेलन वैगई, ठीक है। तो याद रखना वेलन वैगई के बारे में ये स्टेटमेंट गलत दे रखी है, नॉन जो ब्राह्मण पीजेंट प्रॉपर्टीयर्स थे उनकी जो लैंड होती थी उसको वेलन वैगई बोला जाता था, और जो ब्राह्मण को लैंड गिफ्ट की जाती थी उसको ब्रह्म दया बोला जाता था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड है शाला भोगा। देखो शाला आप एक चीज से याद रख सकते हो, शाला मतलब होता पाठशाला, ठीक है। तो स्कूल के मेंटेनेंस के लिए जो लैंड दी जाती थी उसको बोलते थे शाला भोगा, ठीक है। तो शाला भोगा क्या होती थी, मेनली जो स्कूल्स के लिए जो लैंड दी जाती थी, स्कूल की मेंटेनेंस के लिए जो लैंड ली जाती है उसको बोलते हैं शाला भोगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है। थर्ड है तिरुनामतुकनी क्या है, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो तिरुनामतुकनी है ये मेनली टेम्पल्स को लैंड दी जाती थी उसको ही बोलते थे, ठीक है। इसको देवदाना भी बोलते थे, मतलब जो देवों के लिए लैंड दी जाती थी देवदाना, ठीक है। देवदाना भी इसको बोला जाता था, या फिर तिरुनामतुकनी भी इसको बोला जाता था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ है पलीचंदम, ठीक है। पलीचंदम, पलीचंदम क्या है, लैंड डोनेट टू जैन इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल जैन इंस्टीट्यूशन को जो लैंड डोनेट की जाती थी उसको मेनली पलीचंदम बोलते थे। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्टली मैच कौन सा है। तो ओनली थर्ड एंड फोर्थ है, केवल दो ही हमारे करेक्टली मैच हैं और हमारे करेक्टली मैच नहीं है। ये समझ में आया कि ये मैंने कैसे किया। तो चोला अंपायर में टोटल 5 टाइप की लैंड होती थी। एक तो होती थी वेलम वैगई, मतलब जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स की जो लैंड होती थी उसको बोलते थे। फिर दूसरी जो ब्राह्मण्स को दी जाती थी वो थी ब्रह्मदेया, ठीक है। उसके बाद तीसरी होती जो स्कूल्स को दी जाती थी, स्कूल्स के मेंटेनेंस के लिए जाती थी, वो थी शाला भोगा। उसके बाद एक लैंड होती थी देवदाना, जो मेनली टेम्पल्स के लिए दी जाती थी उसको तिरुनमतुकनी भी बोलते थे, और मेनली जैन इंस्टीट्यूशन को जो लैंड डोनेट की जाती थी चोला अंपायर में उसको बोलते थे पलीचंदम, ठीक है। तो ध्यान रखना ये 5 टाइप की लैंड होती थी मेनली चोला अंपायर में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमें बोलना है कि द टर्म मुवेंद्र रेफर्स टू द चीप्स ऑफ। बोल रहे हैं कि मुवेंद्र जो टर्म है वो किसके चिप्स के लिए मेंशन की जाती है। देखो मुवेंदर जो टर्म है ना वो मेनली 3 चिप्स के लिए, मुवेंदर का मतलब होता है 3 चिप्स, ठीक है। 3 चिप्स, 3 फेमस चिप्स हुए हैं आपने सुना होगा। तो मेनली संगम डायनेस्टी की जो 3 डायनेस्टी थी ना, संगम एरा में जो 3 डायनेस्टी थी उनके जो 3 चिप्स होते थे उनको बोला जाता था मुवेंद्र, उनको बोला जाता था मुवेंद्र, ठीक है। तो चोला चेरा और पांड्याज, चोला चेरा और पांड्याज, मैंने आपको, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी, कल के करंट अफेयर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा मेनली चेरा यहाँ केरला में रूल करते थे, पांड्या यहाँ तमिलनाडु में रूल करते थे, और चोला मेनली यहाँ पे रूल करते थे, ठीक है। चोला पांड्या चेरा, ठीक है। तो इनके जो चीप्स होते थे उसको बोलते थे मुवेंदर। तो 3 इन चीप्स को मुवेंदर बोला जाता था। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ठीक है। तो मुवेंदर किसको बोला जाता था, जो 3 चीप्स होते थे चोला चेरा और पांड्यास के, मेनली कहाँ पे, संगम
संगम एरा के जो ये किंग थे, ठीक है। तो संगम एरा में ये तीन टाइप के किंग थे और इनके चीफ्स को बोला जाता था। एक और टर्म्स यहाँ पे यूज होती है मेनली, वो है मोविंदा वेलम। आपने सुनी होगी मोविंदा वेलम, ऐसा पीजेंट, ऐसा पीजेंट जो तीन चीफ्स को सर्व करता है, ऐसा पीजेंट जो मेनली तीन चीफ्स को सर्व करता है उसको बोलते थे क्या, मोविंदा वेलम। मोविंदा तो आपको समझ में आ गया, तीन चीफ्स, और वेलम मतलब जो पीजेंट सर्व करते थे तीन किंग्स को, ठीक है। तो पीजेंट जो सर्व करते थे तीन किंग्स को, ठीक है, तो उनको बोलते थे मोविंदा वेलम। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। और इसके बारे में मैंने आपको कल चीज़ बताई थी कि चोला एम्पायर में जो फेमस एक पोर्ट सिटी थी उसको पुहड़ बोलते थे, ठीक है। यहाँ पे एक जो स्टेट एम्बलम था वो टाइगर यूज होता था, ठीक है। और याद रखना चोला की जो कैपिटल थी वो थी उरैयूर, उरैयूर, ठीक है, उरैयूर इनकी कैपिटल थी। उसके बाद चेरा जा जाते हैं, चेरा में एक फेमस पोर्ट आपने सुना होगा, तोंडी पोर्ट, मुजीरिस पोर्ट भी यहाँ पे एक फेमस पोर्ट था, मुजीरिस पोर्ट भी फेमस था। चेरास का जो एम्बलम यूज होता था वो बो यूज होता था, और यहाँ की जो कैपिटल थी वो थी वणजी। यहाँ की कैपिटल का नाम क्या था, वणजी, बहुत फेमस कैपिटल है, याद रखना चेरास की कैपिटल का नाम था वणजी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, वणजी को करूर नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, करूर नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वणजी को किस नाम से जाना जाता है, करूर नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा फिर आ जाते हैं पांड्या में, पांड्या में मैंने आपको क्या बताया था, पांड्या में बताया था कि यहाँ पे एम्बलम जो यूज होता था, यहाँ पे एक फेमस पोर्ट सिटी थी कोरकई, इनकी कैपिटल थी मदुरई, इनकी कैपिटल थी मदुरई, और यहाँ पे जो मेनली एम्बलम यूज होता था वो होता था कार्प या फिश, ठीक है, यहाँ पे एम्बलम फिश यूज होता था। तो याद रखना ये कुछ है मेनली चोला अम्पायर के बारे में, ठीक है। तो चोला, चेरा और पांड्यास के बारे में तो ये चीज़ मैंने बता दी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो ध्यान रख लेना, ठीक है, किसी भी एग्जाम में ये चीज़ें यूज हो सकती हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बतानी है कौन सी साइट्स मेनली अर्ली चोलास में, देखो ये बोले कौन सी इंपॉर्टेंट पोर्ट है अर्ली चोलास का, अर्ली चोलास का इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है। अभी हमने किया कोरकई, पुहर, मैंगरोल, ये बहुत सारे हमने पोर्ट किए हैं। तो इसमें देखो जो पुहर पोर्ट था ना, अभी मैंने बताया कोरकई किसका था मेनली, कोरकई था मेनली पांड्यास का, ठीक है। तो मेनली पुहड़ ही पोर्ट था जो मैंने अभी बताया, वो फेमस पोर्ट था जो मेनली चोलास का पोर्ट था, अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो अगर आप जो चीज बता रही हो याद रखोगे तो नेक्स्ट में आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें क्या बोलते हैं, हमें बताना है गजनी के बारे में, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि सबसे पहले सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र वन, बोल रहे हैं कि जो सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी थे वो मेनली राजेंद्र वन के कंटेम्प्रेरी थे। ही इंटरेस्टेड स्कॉलर अलबरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इन्होंने जो था मतलब किसने, गजनी ने अलबरूनी को मेनली इंटरेस्ट किया था अपने सब कॉन्टिनेंट के बारे में लिखने के लिए। एंड ही वॉज डिफिटेड बाई चमना रूलर पृथ्वीराज थ्री, बोल रहे हैं कि पृथ्वीराज थ्री ने गजनी को हराया था। तो याद रखना पृथ्वीराज थ्री जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस है, इन्होंने किसको हराया था, इन्होंने गौरी को हराया था, याद रखना। जो ये पृथ्वीराज थ्री जो रूलर है ना, ये बहुत फेमस रूलर है, इन्होंने किसको हराया था, मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 में, ठीक है, 1191 में गौरी को हराया था। फिर 1192 में गौरी ने इनको हरा दिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि अलबरूनी को इन्होंने अकाउंट लिखने के लिए कहा था, और फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है कि जो गजनी थे वो राजेंद्र वन के जो मतलब क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है, राजेंद्र वन के कंटेम्प्रेरी थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। क्वेश्चन नंबर फाइव हमें क्या बोलता है, हमें चंडेलास के बारे में बात कर रही है, किसके बारे में, चंडेलास के बारे में। तो सबसे पहले है जी, चंडेला डायनेस्टी ऑफ बुंदेलखंड वॉज वन ऑफ द 36 राजपूत क्लैंस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बुंदेलखंड की जो चंडेला डायनेस्टी थी वो 36 राजपूत क्लैन में से एक थी। सेकेंड है, विद्याधरा वॉज ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजी धीराज। एंड थर्ड है, दंगा बुल्ट ग्वालियर एंड कलिंजर फोर्स। तो याद रखना जो महाराजा धीराज का टाइटल था ना वो धंगा ने लिया था, याद रखना वो किसने लिया था, महाराजा धीराज का टाइटल धंगा ने लिया था, और जो विद्याधरा था उन्होंने मेनली ग्वालियर और कलिंजर फोर्ट को बिल्ट किया था।
ये दोनों अपोजिट दे रखे हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारे हमें पूछा है केवल और केवल करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। चंडीला डायनेस्टी कब से कब तक थी? 19 से 13 सेंचुरी के बीच में ये डायनेस्टी थी। इनकी कैपिटल क्या थी? महोबा। आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस सिटी है महोबा, या फिर उसको कहाँ पे, खजुराहो में, खजुराहो में, ठीक है। ये है, ये थी इनकी कैपिटल सिटी, ठीक है। तो ये थी मेनली किसके बारे में, थोड़ी चंडेला डायनेस्टी के बारे में, इनकी कैपिटल बता दी, इनका रूल बता दिया, और कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स थे ये भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। ये मेनली स्टैटिक के क्वेश्चन है जो मैंने 5 करवाए हैं। अब आ जाते हैं अपने करंट के क्वेश्चन पर। देखो अब मेरे को बताना है कि स्टैटिक में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और करंट में कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, ठीक है। अच्छे से देखूंगी मैं कि कौन कौन कमेंट कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के लिए, ठीक है, इस साल के लिए। क्या है कि आर्टिमिस जो एकॉर्ड है उसके बारे में कुछ चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले है आर्टिमिस एकॉर्ड इज़ ए बाइंडिंग मल्टीलेटरल अरेंजमेंट बिटवीन US एंड अदर वर्ल्ड गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन आर्टिमिस प्रोग्राम। बोल रहे हैं कि आर्टिमिस एकॉर्ड एक बाइंडिंग मल्टीलेटरल अरेंजमेंट है। तो याद रखना ये एक मल्टीलेटरल अरेंजमेंट तो है लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है, याद रखना। ये क्या है? नॉन बाइंडिंग इंस्टीट्यूशन है। क्या है? नॉन बाइंडिंग अरेंजमेंट है USA के बीच में और अदर वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के बीच में, जो मेनली आर्टिमिस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मेनली आर्टिमिस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेकंड है द एकॉर्ड एस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर कॉरपोरेशन इन एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ मून मास एंड अदर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल सही है कि मेनली इसमें इस एकॉर्ड के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, मेनली जो पीसफुल यूज किया जाएगा मेनली, और एक्सप्लोरेशन किया जाएगा मून का, मार्स का, और जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका। थर्ड, इंडिया वॉज अमंगेस्ट दी अर्लीस्ट कंट्री टू साइन द अकॉर्ड। इंडिया ने तो अभी 22 जून को अभी साइन किया है, ठीक है। तो ये अभी साइन हुआ है, ये बहुत मतलब तब भी साइन नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत पहले साइन नहीं हुआ है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉरी रॉन्ग है, और सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? ओनली वन स्टेटमेंट हमारी जो है ना वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये आर्टेमिस एकॉर्ड है किसका, ठीक है, ये हमारा जो आर्टेमिस एकॉर्ड है ये है किसका, जो आर्टेमिस एकॉर्ड है ना ये किसका है, हमारा नासा और USA की जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, मतलब जो नासा का या USA का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, उन्होंने मिलके इसको स्टार्ट किया है। किसको? आर्टेमिस एकॉर्ड को। कब स्टार्ट किया था इसको? इसको आर्टेमिस एकॉर्ड को स्टार्ट किया गया था 2020 में, याद रखना। इंडिया ने अभी साइन किया 2023 में, लेकिन ये स्टार्ट कब किया गया था? 2020 में स्टार्ट किया गया था। 7 और इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है, USA तो है ही, साथ में इसके 7 और फाउंडिंग मेंबर्स हैं। कौन कौन है USA के साथ और फाउंडिंग मेंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, ठीक है। एक तो है कनाडा, ठीक है, अगर हम इनकी बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो उसमें है UK, इटली, लग्जमबर्ग, ठीक है, लग्जमबर्ग, ठीक है, ये तीन कंट्रीज़ हैं, UK, इटली, लग्जमबर्ग, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी कंट्रीज़ हैं? एक है जापान, ठीक है, एक है जापान, याद रखना, एक है UAE, ठीक है, एक है जापान, एक है UAE, एक है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक है जापान, एक है UAE, एक है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं, याद रखना, जो मेनली इसको फाउंड करने में हेल्प की है जिन्होंने, ठीक है। इन 7 कंट्रीज़ ने मेनली इनको बनाने में हेल्प किया, आर्टेमिस एकॉर्ड को 2020 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और मेनली नॉन बाइंडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल है इसमें, मेनली किसके लिए? सिविल एक्सप्लोरेशन के लिए ये, ठीक है। अब मेन बात आती है कि ये क्या करेगा, ये मेनली जो आउटर स्पेस जो ट्रीटी हुई थी 1967 में एक आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी, उसकी चीज़ों को रिन्फोर्स करेगा, उसकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। अब जो ये आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी ये मेनली क्या करेगी, मेनली जो भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनको बैन करेगी कि वो जो है स्पेस में यूज़ नहीं होने चाहिए, या फिर जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं वो सारी चीज़ें, मिलिट्री एक्टिविटी वाली एक्टिविटीज़ जो है वो स्पेस में नहीं होनी चाहिए, या फिर इसके अलावा जो हम एक्सप्लोरेशन करें, जो भी हम एक्सप्लोरेशन करें सेलेस्टियल बॉडीज का, वो क्या होना चाहिए? पीसफुल एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज मेन थी इसके बारे में, ठीक है। अब इसमें बोल रखा है कि आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में हमें बोल रखा है, ठीक है। तो आर्टेमिस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आर्टेमिस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इसमें पहली वुमेन और
फर्स्ट जो पर्सन है ऑफ कलर ऑन मून, ये उसको उठारेंगे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर ऑन मून को उतारेंगे और मेनली नई साइंटिफिक डिस्कवरी करेंगे, ठीक है, मोर लूनर सरफेस को एक्सप्लोर करेंगे, और इसके अलावा जैसे कि लूनर सरफेस को एक्सप्लोर करने के बाद मार्स पे या फिर उसके बियॉन्ड भी ये जाएंगे, ठीक है। तो ये मेनली आर्टेमिस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ध्यान रखना आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है, आर्टेमिस एकॉर्ड क्या है, ठीक है, और आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वन सेकेंड, ठीक है, तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन हो जाता है फर्स्ट ही हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या बोलता है, जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के बारे में बताना है। जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में बोल रहे हैं कि उसमें की मेकर्स क्या हैं जेंडर गैप रिपोर्ट के। अभी आपको आपने सुनाई दिया होगा कि इंडिया की जो है 127th रैंक आई है, 8 स्पेस ऊपर हो गया या फिर 8 जो है रैंक क्लाइम कर गया है इंडिया, तो 127 रैंक आई है इंडिया की 146 कंट्रीज में, ठीक है, 146 कंट्रीज में से 127 रैंक आई है इंडिया की, 8 प्लेसेस चढ़ गया है। और कौन मेनली इसको प्रिपेयर करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको प्रिपेयर करती है और एनुअली प्रिपेयर करती है, ठीक है, ये एक एनुअल रिपोर्ट है, एनुअली प्रिपेयर करती है। अभी इसको टॉप किसने किया है, इसको मेनली टॉप किया है आइसलैंड ने, टॉप किसने किया है, आइसलैंड ने इसको टॉप किया। सबसे लास्ट में कौन आया है, अफगानिस्तान सबसे लास्ट में आया है, ठीक है, अफगानिस्तान सबसे लास्ट में आया। और याद रखना तो मतलब जो किसी भी कंट्री ने फुल स्कोर, मतलब फुल जेंडर पैरिटी किसी कंट्री में नहीं है, मतलब एक चीज़ ध्यान रखना, आइसलैंड में फुल जेंडर पैरिटी नहीं है, कुछ प्लेसेस नीचे है। सबसे पहले ये जेंडर गैप रिपोर्ट स्टार्ट कब की गई थी, 2006 में स्टार्ट की गई थी, तब से ये हर साल होती है, ठीक है। तो हमें इस बताना है इसके की मेकर्स क्या हैं, मेनली इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो याद रखना इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी, एजुकेशनल अटेनमेंट भी, हेल्थ एंड सर्वाइवल भी, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी, चारों ही जो फैक्टर्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं मेनली ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो चारों ही यूज़ किए जाते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में कौन निकालता है, कौन फर्स्ट आया है, कौन लास्ट आया है, इंडिया की रैंक क्या है, ठीक है, कितनी इंप्रूव हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज ध्यान रखना, तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या बोलता है, हमें बताना है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में। किसके बारे में बताना है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में बताना है। तो सबसे पहले है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 1990 में स्टार्ट हुआ था, और मेनली बोल रहे हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हाउस होल्ड्स को मेनली ये यूज़ करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये 1990s में स्टार्ट हुआ था और मेनली कुछ हाउस होल्ड का सर्वे करता है ये रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। बोल रहे हैं कि एनुअली कंडक्ट किया जाता है, ऐसा नहीं है, ये 4 से 5 साल के इंटरवल में एक बार प्रिपेयर किया जाता है, 4 से 5 साल के इंटरवल में एक बार प्रिपेयर किया जाता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड, थर्ड है द प्राइमरी फोकस ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, बिल्कुल मेनली इन्हीं को मेजर करता है, मेटरनल और चाइल्ड हेल्थ को। फोर्थ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज द ओनली सर्वे दैट द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कंडक्ट। देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कराती है, लेकिन बोल रहे हैं कि ये केवल ओनली सर्वे है जिसको कराती है, मतलब और कोई सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कराती नहीं है। ये स्टेटमेंट हमारी रोंग हो जाती है। क्यों हमारी रोंग हो जाती है, बहुत सारे सर्वे जो है मेनली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कराते हैं, जैसे कि ग्लोबल एडल्ट तंबाकू सर्वे करवाती है एक, ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे करवाती है, ठीक है, एक अल्कोहल सर्वे भी मेनली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कराती है। इसके अलावा नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे भी मेनली ये करवाती है, कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये बहुत सारे सर्वेज हैं जो मेनली मिनिस्ट्री ये करवाती है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ऐसा नहीं है केवल यही करवाती है। तो सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा तो केवल दो ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया होगा शायद आपको समझ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें क्या बोलता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। किसके बारे में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। देखो एक चीज़ ध्यान रखो कि किसी भी चैनल पे व्यूज़ के पीछे मत जाना, ठीक है, कि यहाँ पे व्यूज़ कमा रहे हैं तो शायद अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही होगी। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको अपना फ़ायदा करना है, पूरे लेक्चर को अच्छे से देखना, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ दी लोग है ना फालतू की चीज़ें देखते हैं। मेरे को ये मतलब है कि रील्स देखते हैं, फालतू की चीज़ें देखेंगे, जहाँ टाइम वेस्ट होना होगा वो चीज़ ज़्यादा देखते हैं, तो काम की चीज़ें नहीं देखते। जहाँ पे पता है ना कि 10 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, जहाँ पे बता रहे होंगे ना कि कैसे पढ़ना चाहिए, वो आधा घंटा कैसे पढ़ना चाहिए वो देख लेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन
क्या पढ़ना चाहिए, जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं पढ़ना उनको, ठीक है। तो आप अपने कंटेंट पे ध्यान दो, और ये चैनल केवल और केवल कंटेंट बिल्डिंग के लिए है, ठीक है, ना कि फालतू की चीज़ों के लिए। तो चलिए अपने कंटेंट पे वापस से आते हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना है, ठीक है, और अपने जितने भी स्कोर होगा उसको प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि पता चलता रहे चैनल्स के, या मेरे को भी पता चलता रहे कि आपके जो है कितना स्कोर आ रहा है और आप कितना इम्प्रूवमेंट डेली बेसिस पे आपका हो रहा है, ठीक है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना है, बोल रहे कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर प्रिपेयर के। तो देखो, ये स्टैट्यूटरी बॉडी तो है, क्योंकि जो आपने सुना होगा FCI एक्ट 1964, कौन सा FCI एक्ट 1964 आया था, उसके अकॉर्डिंग ये बॉडी बनी थी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी तो है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में है। किस में है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसकी होगी रॉन्ग। सेकंड है, इट मेंटेन्स ए सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ ऑपरेशनल एंड बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स टू इंश्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी। बिल्कुल, नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए मेरे लिए कुछ बफर स्टॉक या कुछ ऑपरेशनल स्टॉक्स रखती है। थर्ड है, इट रेगुलेट्स मार्केट प्राइस टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू कंज्यूमर एट रिलायबल प्राइस। बोल रहे हैं कि ये मार्केट प्राइस को रेगुलेट करते हैं ताकि कंज्यूमर्स को रिलायबल प्राइस पे फूड ग्रेन्स मिलते रहे। बिल्कुल सही है। और बोल रहे हैं कि जितने भी फूड ग्रेन का प्रोक्योरमेंट है इंडिया में, वो सारा FCI करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, जो प्रोक्योरमेंट की चीज़ है वो डिसेंट्रलाइज कर चुके हैं, इंडिया में डिसेंट्रलाइज हो चुके हैं, 1997 में डिसेंट्रलाइज हो चुके हैं जितनी भी प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस है। अब जो है कोऑपरेटिव एजेंसी होगी, प्राइवेट्स होगी, वो भी प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है केवल FCI ही प्रोक्योरमेंट करती है। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग होगी हमारी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमें करेक्ट बताने, तो केवल दो ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में करेक्ट है, ठीक है। FCI के बारे में कब बना था, 1965 में इन्होंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर आप देखो तो कहाँ पे हैं, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में है। उसी टाइम पे 1965 में ही एक बॉडी और बनी थी, आपने काफ़ी फेमस नाम सुना होगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ये बॉडी बनी थी, मेनली ये MSP को रिकमेंड करने के लिए बनी थी, ठीक है। MSP को रिकमेंड करती है ये बॉडी, तो उसके लिए बनी थी CACP, ठीक है। तो उसी टाइम पे 1965 में ये बॉडी भी बनी थी। तो FCI के बारे में हमारी ये चीज़ हो जाती है कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में। बोले कि ब्रह्मपुत्रा जो है ओफन फ्लड हो जाती है, लेकिन तिब्बत में नहीं, ठीक है। बोल रहे हैं कि ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया में ज़्यादातर उसमें बाढ़ जाती है, लेकिन तिब्बत में उसमें बाढ़ नहीं आती। क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं उसके, मतलब ऐसे क्या रीज़न हो सकते हैं कि वहाँ पे बाढ़ आती है, और मतलब यहाँ पे बाढ़ आती है और वहाँ पे बाढ़ नहीं आती है। तो सबसे पहले तिब्बत में जो रिवर्स हैं, रिवर है ना, उसमें पानी कम होता है, वहाँ पे वॉल्यूम स्मॉल होता है, इसलिए वहाँ पे सिल्ट भी कम एकमलेट होती है, जिससे वो एरिया कोल्ड एंड ड्राई एरिया है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कोल्ड और ड्राई एरिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वहाँ पे वाटर का वॉल्यूम कम होता है, वहाँ पे सिल्ट भी कम होती है। सेकंड है, अनलाइक अदर नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स, ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड, कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो ब्रह्मपुत्र है वो ह्यूज डिपॉजिट हो जाता है उसमें सिल्ट का अपने बेड पे, जब वो इंडिया में एंटर करती है, और सब बेड राइज हो जाता है, और उसके कारण वो क्या करती है, अपनी जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर देती है, और फ्लडिंग इसमें हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमें करेक्ट कोड बताना है, तो करेक्ट तो दोनों ही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ। तो आप ये वाली जो आपको PDF दिख रही होगी, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में दिख रहा है। कहाँ से निकलती है, चैम युंग गंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। ग्लेशियर का नाम आपको पता चल गया, तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, इंडिया में यहाँ से एंटर करती है। दिबांग लोहित इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। धानसरी ट्रिब्यूटरी है, कपिली इसकी ट्रिब्यूटरी है, उसके बाद ऊपर से सुभानसरी, मानस और तीस्ता रिवर इसको ज्वाइन करती है, इधर से गंगा ज्वाइन करती है, ठीक है। फिर आके बांग्लादेश के थ्रू बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये समझ में आया आपको, ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा थोड़ा सा ब्रह्मपुत्रा के बारे में, ठीक है। कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है, क्या है, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। देखो, अगर आपको धानसरी दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा, ठीक है। आप कम वो मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो ये हमारा टोटल आज के इसकी के साथ, देखते हैं एक मिनट, PDF निकालते हैं।
ठीक है। तो इसी के साथ हमारे आज के जो जितने भी 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं वो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने जो स्कोर है उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपके कितने जो क्वेश्चंस हैं वो सही हो रहे हैं और कौन से जो हैं आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमलाइन दी होती है, उस टाइमलाइन को देख के आप बाद में उस क्वेश्चंस को रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। आप अभी अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हो कि मेरे ये क्वेश्चन गलत हुए हैं, आप दोबारा रिवाइज करने हो तो आप सीधा अपना कमेंट देखो और वहां से टाइमलाइन में जाओ और वहां से उसका आंसर्स को देखो, ठीक है। तो इससे आपकी जो रिवीजन है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे इसी तरह से हम आते रहेंगे डेली आपके साथ, वीडियो के साथ, 10 क्वेश्चंस के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और डेली बेसिस पे, डेली उठते ही मॉर्निंग में 7 बजे आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। देखते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि जो है इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो इसी नोट पे थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।